बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दंतेवाड़ा से आपको दिखाते हैं, नक्सलियों ने पूर्व जनपद सदस्य की हत्या की है। बोटाली निवासी जोगा की हत्या धारदार हथियार से की है। अरनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बोटाली निवासी है जोगा की, नक्सलियों ने यहाँ पर धारदार हथियार से हत्या की है। बता दें कि पूर्व जनपद सदस्य है ये ग्रामीण, जिसकी हत्या यहाँ पर की गई है धारदार हथियार से। रनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो एक बार फिर से नक्सलियों की काराना करतूत यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। लगातार कई वारदातों को नक्सली अंजाम दे रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि इसके पहले हाल ही में एक बड़ी सफलता यहाँ पर जवानों को मिली थी। नक्सलियों को 29 नक्सलियों को ढेर किया गया था, जिसके बाद पहले भी कयास लगाए जाते कि नक्सलियों की बौखलाहट अब और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। नक्सलियों ने पूर्व जनपद सदस्य की हत्या की है, एक बड़ी वारदातों को यहाँ पर अंजाम दिया है। पोटाली निवासी जोगा की नक्सलियों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी है। फिलहाल अब बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल किस तरीके से की जाती है, क्योंकि लगातार जो है नक्सलियों की बौखलाहट सामने आ रही। जवानों को बड़ी सफलता मिली थी, जिसके बाद अब आप देख सकते हैं कि नक्सली जो है वो लगातार काराना करतूतों को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त आपको बता रहे हत्या की खबर, नक्सलियों ने यहाँ पर पूर्व जनपद सदस्य की हत्या की, एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। और जरा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वेद प्रकाश संगम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेद प्रकाश, एक बार फिर से नक्सलियों की बौखलाहट सामने आई है, बड़ी वारदात को यहाँ पर अंजाम देगा पूर्व जनपद सदस्य जिनकी हत्या यहाँ पर की गई है। क्या ये पूरे मामले पर अब तक जांच पड़ताल की गई, विस्तार से इस पर बताइए। साथ ही कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया ये भी बताइए। जी, जो मृतक जोगा है वो अपने घर पर ही सो रहा था। रात करीब 11 से 11:30 बजे के बीच लगभग 10 से 12 नक्सली यहां पर पहुंचे और उसके बाद उसे सोते हुए से जगाया और घर के आंगन में ही ले जाकर उसकी हत्या कर दी। ये मृतक जो है वो पूर्व में जनपद सदस्य रहा है और उस इलाके में जो विकास कार्य होते रहे हैं उस पर उसमें उसकी काफ़ी भागीदारी रही है। तो ये वजह ही मानी जा रही है कि नक्सलियों ने इसकी हत्या कर दी है, क्योंकि पिछली अगर घटनाएं देखें तो लगातार नक्सलियों को मात खानी पड़ रही थी। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि नक्सली बैकफुट पर है, लेकिन दंतेवाड़ा में स्थिति थोड़ी सी अलग है। वो जो इलाका है, जो मृतक जहां का रहने वाला है पोटाली, इसके साथ साथ जो नीलावाया बुरगुम का इलाका है वहाँ अब भी नक्सलियों की चहलकदमी सुनाई दे रही है। तो ऐसे में पुलिस को चाहिए कि लगातार उस इलाके में गश्त करे, ना कि इस अति उत्साह में रहे कि नक्सली बैकफुट में, क्योंकि लगातार घटनाओं के बाद भी यदि नक्सली सामने आते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं, तो ये पुलिस का फेलियर है। क्योंकि आप दूसरे जिलों में देखे, दंतेवाड़ा को छोड़कर, तो वहाँ बड़ा नुकसान नक्सलियों को हुआ है और शायद ये जो इलाका है पोटाली रेवाली नीलावाया का, ये नक्सलियों के लिए अब तक सेफ जोन रहा है, क्योंकि ये सुकमा और दंतेवाड़ा का सरहदी इलाका है। तो इस इलाके में कैंपों की स्थापना भी नहीं की गई है, ना ही कोई पुलिस थाने पड़ते हैं आसपास। तो इसका फायदा अब तक माओवादियों को मिल रहा है और इस वजह से ही नक्सलियों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। अब चूंकि रात में ही पुलिस वहां पर पहुंच चुकी थी, लेकिन इससे पहले ही जो जोगा है उसकी मौत हो चुकी थी। अब इलाके में सघन सर्चिंग की जा रही है और पड़ताल की जा रही है कि आखिरकार नक्सली बैकफुट में होने के बाद भी इस तरीके की घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहे हैं। शुभांगी, वेद प्रकाश, लेकिन ये भी आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ सरकार ये कह रही है कि नक्सली जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से बातचीत करे, समझौता करे, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें नक्सलियों की, तो लगातार नक्सलियों की बौखलाहट जो है वो सामने आ रही है। क्या समझे इसे, क्या शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी नक्सली तैयार नहीं है, क्या समझे इस पर? जी देखिए, जिस तरीके से लगातार घटनाएं हो रही है उसको देखकर तो यही लगता है कि नक्सली बढ़ रही वार्ता की बात कर रहे हो, लेकिन उनका मूड बिल्कुल अलग है। क्योंकि अगर बीजापुर में भी देखें, दूसरे जिलों में देखें, तो वहां प्रेशर आईडीज लगाने का सिलसिला जारी है, उसमें उसकी चपेट में मवेशी आ रहे हैं, ग्रामीण आ रहे हैं, लगातार मौतें हो रही है, और दूसरी तरफ वार्ता की बातें की जाती है, लेकिन ये कहीं भी ये नहीं लगता कि ये वार्ता चाहते हैं नक्सली। क्योंकि अगर कल ही रात की घटना देख लें हम, तो नक्सलियों ने एक निर्दोष ग्रामीण की हत्या की। यदि कोई उस इलाके में, जो ग्रामीण इलाका पिछड़ा इलाका, वहाँ यदि विकास की बात करता है, विकास कार्यों में सहभागिता निभाता है, ऐसे में उसकी हत्या करना कहाँ उचित है। तो एक मंथन की जरूरत कि आखिरकार नक्सली चाहते क्या है, क्या वार्ता से इसका समाधान चाहते हैं, या फिर वो पुराने ही स्टाइल पे नक्सलियों की हत्या, ग्रामीणों की हत्या करेंगे, जवानों को नुकसान पहुंचाएंगे और वार्ता नहीं करना चाहते, इस पर थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल वेद प्रकाश, जिस तरीके से जानकारी भी आपने दी, साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि एक बार फिर से नक्सलियों की काराना करतूत यहाँ पर निकलकर सामने आई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।